दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। हर वो बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी अब अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को मैनपुरी से जापराम कुमार यादव डीएम मैनपुरी से फिलहाल शिकायत की है। तो लगातार देखिए चुनाव में लगे अफसरों को डीएम से शिकायत की गई है कि लगातार इससे पहले भी समाजवादी पार्टी किस तरीके से लगातार आरोप लगाती रही है और एजेंट नहीं बनने दे रहे, तो चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा। मैनपुरी से देखिए लगातार खबरें आ रही है, रामगोपाल यादव ने डीएम मैनपुरी से शिकायत की है और इससे पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से पहले ही मिलकर के आया है, तो एजेंट नहीं बनने देने पर डीएम से शिकायत हुई है। तो लगातार आरोप का दौर जारी है और इस बीच शिवपाल यादव ने भी कहा रात भर किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, रात भर मैं सो नहीं पाया, लोगों के फोन आते रहे, फोन कॉल्स, और अफसर लगातार जो है वो दिक्कत को दूर करने में फिलहाल लगे हुए हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बताया जा रहा है कि आप रात भर सोए नहीं, क्या कारण रहा और आज का जो वोटिंग होने जा रही है वो उसको किस तरह से दें? असल में रात भर हमारा फोन हमेशा ऑन रहता है, रात भर हमारे कार्यकर्ता टेलीफोन करते रहे कि अब यहाँ पुलिस परेशान कर रही है, जो एजेंट बनने वाले हैं उनको धमका रही है, अगर एजेंट बने तो आपका अच्छा नहीं होगा, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आपको बाद में जेल भेज दिया जाएगा, मुकदमे लगा दिए जाएंगे। ये सारी धमकियां हमारे कार्यकर्ताओं को मिलती रहीं, रात भर लोगों के टेलीफोन आते रहे, लेकिन उससे हमारे किसी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वे बहुत बहादुर हैं और इस तरह की बदमाशियाँ वो पहले भी देख चुके हैं प्रशासन की तरफ से जो होती रही हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से होती रही, कभी दबे नहीं और जितनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ की, धमकियाँ दी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उतना ही ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमारे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने किया है हमेशा। मैनपुरी के डीएम को अभी फ़ोन किया आपने, ऑब्जर्वर फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनको फ़ोन किया तो क्या कहाँ क्या कुछ मामलात हो गए हैं कि जिसको लेकर फ़ोन कर? मैनपुरी सदर में, शहर में बूथ नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146 इन पर सुबह 5 बजे से हमारे एजेंट खड़े हुए हैं पारी के, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स किसी को एजेंट नहीं बना रहे। इसकी शिकायत मैंने डीएम से की थी, डीएम से इसकी शिकायत की थी। सर, किस तरह के किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और क्योंकि नेताजी नहीं है, पहला चुनाव ऐसा है जो नेताजी की गैर मौजूदगी में हो रहा है। जनता नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है और इसके अलावा जो जिस तरह की जातियां हो रही हैं, जिस तरह से मैनपुरी और इटावा को निग्लेक्ट किया जा रहा है, किसी तरह का विकास वगैरह नहीं हो रहा है और बेरोजगारी वैसे ही सर पे चढ़ के बोल रही है, महंगाई इतनी है कि लोग भूखों मरने को विवश हो रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं, तो जनता तो दुखी है ही। और नेताजी की याद में, नेताजी ने ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए कोई काम नहीं किया हो, सारे लोग उनको याद कर रहे हैं और आज के दिन वो समाजवादी पार्टी को वोट करके डिंपल को जिताने के लिए ये काम करेंगे। कैमरामैन अमीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, सैफई। तो सैफई में हमारे संवाददाता, देखिए जब गए वहां पर तो तमाम लोगों से उन्होंने